हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ईश्वर एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम यूपी टीजीटी पीएचटी एग्जाम 2024 से रिलेटेड जो है यूपी टीजीटी पीएचटी की जो है भर्ती रत अभ्यर्थियों को लगा झटका जाने पूरा सूचना क्या कारण है, ये बात सच है एक्चुअल है कि झूठी है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ इंफॉर्मेशन मिला, हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल ही होनी चाहिए क्योंकि यूपी टीजीटी पीएचटी एग्ज़ाम जो है तिथि को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर, अगर टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम तिथि का इंतजार कर रहे हैं तो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, परीक्षा का आयोजन, लाखों अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं और इसमें जो है आवेदन शुरू टीजीटी पीजीटी के शुरू हुए काफ़ी समय बीत चुके हैं और लेकिन अभी तक टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं हुआ है। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के खबर आ चुकी है, अभी तक नहीं जारी हुआ कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन। प्रयागराज की तरफ से टीजीटी पीजीटी के हजारों पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकाला गया था और नोटिफिकेशन जुलाई 2022 में जारी हुआ। आवेदन प्रक्रिया पूरा हुए डेढ़ वर्ष से भी ज़्यादा बीत चुका है लेकिन अभी तक जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तिथि जारी नहीं हुई। लाखों अभ्यर्थी डेढ़ साल से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम तिथियों का इंतजार कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा खबर आ चुका है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आज की ताज़ी खबर है। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के ताज़ा जानकारी आ चुकी है कि आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक नई अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय को ही सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है और इसी के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आयोजित होगा और लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतज़ार। तो फरवरी माह में समाप्त होने जा रहा है, परीक्षा माह में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम तिथियां जारी हो जाएगी और उम्मीदों की जा रही है इसमें कि मार्च में यह जो है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम आयोजित हो सकता है क्योंकि सबसे लंबित भर्ती इस भर्ती का जो है आयोग सबसे पहले पूरा करेगा। तो बढ़ सकती है टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या। यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पहले ही काफ़ी पहले ही जारी हुआ था लेकिन पदों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 हज़ार पदों पर संख्या हो सकती है। तो इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव हो गया है और अब टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों और पीजीटी अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा देनी होगी। जो है इसका जो भी विषय है उसकी परीक्षा तो होगी ही लेकिन विषय के साथ ही वह आपको सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती रद्द हो गई क्या, एक क्वेश्चन है एक तरह से क्योंकि सोशल मीडिया पे इसी के सहारे हमने आए थे और जो हमारी थंबनेल देख करके नोटिफिकेशन को बोले कि ये जो फेक न्यूज़ है तो एक तरह से फेक है लेकिन जो यूट्यूब पर आने का मकसद जिसका होता है यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता है उसका क्लिप एड थंबनेल वगैरह जो होता है इसी तरह से नोटिफिकेशन देने का होता है। जिन्हें बुरा लगे वो हमारे चैनल से हट जाएँ, अन्यथा उल्टा सीधा कमेंट करना हो तो जो लोग अपने घर में उल्टा सीधी बातें बोलते हैं वो कमेंट बाहर भी करते हैं। अब देखिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती रद्द हो चुकी है, अभ्यर्थियों में अभी दुविधा बनी हुई है क्योंकि पुराने आयोग से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और नए आयोग में टीजीटी पीजीटी की भर्ती का मतलब अभ्यर्थियों को परीक्षा कराने का तरीका नए विज्ञापन के जरिए कर दे। तो आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता देते हैं कि शिक्षा आयोग टीजीटी पीजीटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं करेगा बल्कि पुराने ही भर्ती के विज्ञापन पर ही आपको परीक्षा कराएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये फेक टाइप की बातें हैं। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए और पॉजिटिव सोच बना के बने रहने के लिए
हम आपकी तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।